बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ओमजा एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप हम सब मिलकर काम करेंगे, कर सकते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल omja.com पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं भीमसेनी कपूर के बारे में। ओरिजिनल भीमसेनी कपूर, इसके फायदे क्या होते हैं। कपूर तो दो तरह के होते हैं, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा ही। ये भीमसेनी कपूर है, इसके जो बेनिफिट्स है वो बताएंगे। इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं जो आप अपने आयुर्वेद के डॉक्टर से पूछ सकते हैं या अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं। मैं जो बताऊंगा पूरा धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि धार्मिक क्या फ़ायदे होते हैं जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये आपको omja.com और shivago.com दोनों जगह पे अवेलेबल रहेगा, आप दोनों जगह से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं। देखिए, भीमसेनी कपूर को कपूर के पेड़ की लकड़ी या छाल से तैयार किया जाता है। दक्षिण भारत और बिहार जैसे राज्यों में खाने वाले कपूर का इस्तेमाल कई प्रकार के व्यंजनों में जब बनाया जाता है तो उसमें तैयार किया जाता है, उसमें डाला भी जाता है। पर यह आपको अपने डॉक्टर से पूछना होगा, डाइटिशियन से पूछना होगा, इस तरह से आपको इस्तेमाल नहीं करना है। जनरली सिंथेटिक कपूर भी होता है जो लोग इस्तेमाल करते हैं मार्केट में, भी वो भी अवेलेबल है, वो पूजा पाठ में इस्तेमाल होता है। पूजा पाठ में इस्तेमाल करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि ये पूरी तरह से ऑथेंटिक और ओरिजिनल होता है। प्राकृतिक कपूर जैसे भीमसेनी कपूर कहते हैं लोग कि तिरुपति के बालाजी में भी जो लड्डू वगैरह बनाए जाते हैं वहाँ पे भी हल्की सी मात्रा मिलाई जाती है, ऐसा कहते हैं। और इसका जो स्मेल है वो इतना मोहक होता है कि आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। और कुछ केमिकल युक्त कपूर होते हैं जो मार्केट में भी अवेलेबल है। अब कपूर के बिना पूजा पाठ जो अधूरी मानी जाती है। कम पूजा पाठ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सारी चीज़ें बताएंगे, हेल्थ बेनिफिट हम आपको बता देंगे। जैसे कई रोगों में ज़बरदस्त लाभ पहुंचाता है ये भीमसेनी कपूर। कई दवाइयों के निर्माण में कपूर का इस्तेमाल होता है। घर में जब हम इसे जलाते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा ऑटोमेटिक फैल जाती है। कई तरह की शारीरिक दिक्कतों में कपूर का इस्तेमाल बहुत राहत देता है। जैसे सिर दर्द हो रहा है तो कपूर, शुंठी, अर्जुन की छाल और सफ़ेद चंदन को बराबर मात्रा में पीस कर लेप बना लें। ये लेप सिर दर्द में काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। गर्म पानी में कपूर और नमक डालकर पैरों को सेक लीजिए, इससे आपके पैरों में लगातार आ रही सूजन और दर्द से आपको आराम मिल जाएगा। सफ़ेद चंदन के साथ मिलाकर भी इसको आप सर पर लगाएंगे तो बहुत फ़ायदा होता है सर दर्द में। कपूर से मुहासे भी दूर होते हैं। इसे अलग अलग तरह के फेस पैक में मिलाकर लगाया जा सकता है जो आपके डॉक्टर आपको गाइड कर सकते हैं। जैसे जो खाने वाले जो कपूर होते हैं डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद, वो पाचन तंत्र के लिए बहुत फायदेमंद माना गया है। प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी इसके बारे में विस्तार से बताया गया है कि इसमें भूख बढ़ाने और पाचन तंत्र को ठीक करने वाले गुण पाए जाते हैं। उल्टी और मितली की समस्या में भी लोग कपूर का सेवन करवाते हैं बहुत सारे डॉक्टर, जो आयुर्वेद के जो डॉक्टर हैं। तो आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आप बिल्कुल डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। और कपूर जो है ऐसे भी एंटी बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है और अपने इसी गुण की वजह से ये फोड़ी फुंसियों पर न सिर्फ लगाम लगाता है बल्कि उन्हें ठीक करने में भी काफ़ी मददगार साबित होता है। अब हम धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आते हैं, लक्ष्मी पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। देखिए, यदि आप जल्द अमीर बनना चाहते हैं तो इसका तो मैक्सिमम आप इस्तेमाल कीजिएगा भीमसेनी कपूर का। जैसे आपके घर में दीपक जलता है या दीपक जब जलाया जाता है तो जो दिया है, दिया जलने के बाद उसमें कपूर का इतना छोटा सा टुकड़ा आप डाल दीजिए। कहा जाता है कि कपूर के स्मेल से लक्ष्मी जी अट्रैक्ट होती हैं। तो अलग अलग उपाय भी हम आपको बताएंगे। जैसे आप गूगल धूप जलाते हैं तो गूगल धूप जब जलाते हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा कपूर रख दीजिए। हवन वगैरह करते हैं, हवन हो जाने के बाद ऐसे भी हवन, तो हवन की जो खुशबू है काफ़ी अच्छी होती है, इनफ होता है। और जब हवन हो जाए, जब अग्नि जो है
थोड़ी शांत हो जाए, तो उसके ऊपर थोड़ा सा आप कपूर के थोड़े बड़े टुकड़े आप डाल दीजिए, उसका देखिए क्या खुशबू आएगी। तो चलिए अब हम उपाय बताना शुरू करते हैं। रात को सोते समय अपने बेडरूम में एक चांदी की कटोरी या किसी पात्र में दो कपूर, मतलब इसके दो टुकड़े कर लीजिए तो दो कपूर हो गया, और दो लौंग चलाए। ऐसा करने से नेगेटिविटी समाप्त होती है और आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। कहते हैं कि बुद्धि को तेज करने में भी बहुत फायदेमंद होता है। उसके लिए बुधवार के इतने हरा कपड़ा, कांसे का बर्तन और थोड़ा सा कपूर आपको दान करना चाहिए बुधवार के दिन। ऐसा करने से कहते हैं कि दिमाग तेज होता है और साथ ही घर में खुशहाली भी बनी रहती है, छाई रहती है। अगर आप पैसों की कमी का सामना कर रहे हैं तो फिर हम उपाय आपको बताते हैं। शाम के समय गुलाब के फूल में कपूर का टुकड़ा रखकर उसे जला दीजिए और कपूर के जल जाने के बाद ये देवी दुर्गा को चढ़ा दीजिए। ऐसा करने से आपके रुके हुए या कहीं फंसे हुए धन और पैसों की प्राप्ति होगी, साथ ही में अचानक धन प्राप्ति भी हो सकती है, ये भी हो सकता है। यदि किसी काम में लगातार अड़चन आ रही है तो बुधवार को कपूर और मिश्री का दान कीजिए, इससे आपके जीवन में चल रही मुसीबतें समाप्त हो जाएगी और आपको मनचाही नौकरी वगैरह भी मिल सकती है। यदि शादी में दिक्कत हो रही है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो 36 लौंग, गिन के 36 लौंग, फूल वाली होनी चाहिए सारी, 6 कपूर के टुकड़े, इसको आप 6 टुकड़ा कर लीजिए, जैसे बड़े वाले को आप 6 टुकड़ा कर लीजिए, उसमें हल्दी और चावल मिला लीजिए। अब इस मिश्रण को माँ दुर्गा का पाठ करते समय हवन में आहुतियाँ दीजिए, इससे जल्द ही आप देखेंगे कि आपकी जो शादी है उसके प्रपोजल आने शुरू हो गए। हर रोज सुबह और शाम कपूर को घी में भिगोकर जलाइए और जलते हुए कपूर को पूरे घर में घुमाइए ताकि उसकी खुशबू सब जगह फैले। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, सुख शांति बनी रहेगी। आप सिर्फ ट्राई कीजिए। कई लोगों को कुंडली में पितृ दोष और काल सर्प दोष होते हैं, बाधाएं आती हैं, तो इसके लिए रोज रात में घी में भीगे हुए दो कपूर जलाइए। ऐसा करने से राहु केतु का जो प्रभाव है वो कम होगा। वास्तु दोष के लिए मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल उपाय है। दूर अपने वास्तु दोष को दूर करने के लिए किसी दो कोने में कपूर की एक एक गोलियाँ रखते हैं। जब ये कुछ दिनों में गल जाए तो दोबारा वहाँ दूसरी गोलियाँ रखते हैं। ऐसा करने से दोष दूर हो जाएगा और माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आप पे बरसेगी। अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, समस्याओं ने घेर रखा है, धन की हानि भी हो रही है, तो जब आप नहाते हैं तो उसमें कपूर की ना 5 बूंदें डाल दीजिए और फिर स्नान कीजिए। ऐसा करने से भाग्य में वृद्धि होती है और दुर्भाग्य दूर होता है। और ट्राई कीजिए, आपको फायदा होगा। एक और चीज़ आप ट्राई करते हैं, गुरुवार के दिन ट्राई कीजिएगा। गुरुवार के दिन 12 साबुदानों को एक एक करके 12 कपूर के साथ जलाइए, गुरुवार के दिन सिर्फ। ऐसा प्रत्येक बृहस्पतिवार को करने से आप पर गुरु की कृपा होगी, जिससे आपकी तरक्की के जो रास्ते हैं वो खुलते चले जाएंगे। बस ज़रूरत है आपको ट्राई करने की। तो मैं इतने सारे उपाय कपूर के बोले हैं और ये आपको shivago.com और omja.com पे मिल जाएंगे, ऑथेंटिक जेन्यून, और आप इसे एक बार ट्राई कीजिए, 100% आपको बेनिफिट होगा। और जो हेल्थ बेनिफिट है इसके लिए तो आपको एनीवेज डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।